हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज प्रभाकर मंडल, यू आर वाचिंग डी टू ट्यूटोरियल हिंदी। सो है गाइस, आज की वीडियो में हम लोग मॉडलिंग करने वाले एक फीमेल कैरेक्टर एंड मेक ह्यूमन सॉफ्टवेयर की जो कुछ बेसिक फीचर्स थे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेक ह्यूमन सॉफ्टवेयर की जो कुछ बेसिक फीचर्स है उनके बारे में, एंड उनके बाद हम लोग एक फीमेल कैरेक्टर को मॉडलिंग करेंगे। सो कैरेक्टर मॉडलिंग से रिलेटेड आज है तीसरा एपिसोड। सो फर्स्ट एपिसोड में हम लोग बात किए थे कि कैसे आप लोग मेक ह्यूमन सॉफ्टवेयर को अपने पीसी पे डाउनलोड कर सकते हैं, एंड दूसरे एपिसोड पे हम लोगों ने एक मेल कैरेक्टर को मॉडलिंग की थी। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरा एपिसोड 2 मतलब मेल कैरेक्टर मॉडलिंग अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ यार जाके देख लो, क्योंकि वहाँ पे मैं एक एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके एंड यूज़ करके आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखा चुका हूँ। और एंड आज जो मैं फीमेल कैरेक्टर को मॉडलिंग करने वाला हूँ ये बहुत ही मैं शॉर्टकट ट्रिक्स में करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग मेक ह्यूमन जो सॉफ्टवेयर है उनको हम लोग ओपन कर लेते हैं, और अब ये थोड़ी ही देर लगेगा एंड ये ओपन हो जाएगा। सो सबसे पहले तो ये ओपन होने के बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा। यहाँ पे मॉडलिंग सेलेक्ट रहेगा एंड यहाँ पे मैन सेलेक्ट रहेगा। सो सबसे पहले तो हम लोग इनका जो कुछ बेसिक फीचर्स है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक अंडू का ऑप्शन, मान लो कि मैं इनको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये देखो, मान लो कि मेरे गलती से ये एक चाइल्ड का हो गया, तो इनके लिए हम लोगों को यहाँ पे अंडू का ऑप्शन है। ये देखो, यहाँ पे हम लोग अंडू कर सकते हैं एंड यहाँ पे रेडो का भी ऑप्शन है, मतलब यहाँ से आप लोग एक कदम आगे पीछे हो सकते हैं। मान लो कि आप लोग मतलब बहुत गलत हो चुका है, मतलब आप लोगों को कम्प्लीटली रीसेट करना पड़ेगा, तो उनके लिए उनके बाद जो ऑप्शन है वो है रीसेट। आप लोग रीसेट करते ही, रीसेट बटन पे टैप करते ही यहाँ पे आएगा एस, यहाँ पे सिंपली एस कर दो एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल नॉर्मल मूड पे आ चुका है जैसे पहले था। और उनके बाद है स्मूथ बटन, तो स्मूथ पे टैप करने से ये जो कैरेक्टर है ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। और उनके बाद है वायर फ्रेम मोड, वायर फ्रेम मोड जो है ये ब्लिंडर पे भी है, कोई भी चीज़ का वहाँ पे वायर फ्रेम होता है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इस कैरेक्टर का वायर फ्रेम मोड है। तो सिंपली यहाँ पे वायर फ्रेम मोड पे आप लोग देख सकते हैं ये जो कैरेक्टर है ये वायर फ्रेम पे हो चुका है। ओके, सो वायर फ्रेम मोड को हम लोग हटा देते हैं। यहाँ पे जो वायर फ्रेम मोड हम लोगों ने सेलेक्ट किया था, सिंपली यहाँ पे एक और बार टैप करने से ये अनसेलेक्टेड हो जाएगा। और उनके बाद है पोज, तो पोज पे क्या होगा, ये देखो यहाँ पे जो बोन्स है यहाँ पे आप लोगों को बोन्स मिल जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे बोन्स हैं, तो इनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सो सिंपली यहाँ पे जो है ये जो पोज मूड है यहाँ से बोन्स आता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल पे चले जाते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रीड, पीछे का जो ग्रीड आ रहा है उनका, ये देखो वहाँ पे टैप करते ही ये पीछे का जो ग्रीड है वो हट जाएगा, और फिर से टैप करने से पीछे का जो ग्रीड है वो आ जाएगा। एंड ये जो कैरेक्टर है इनका जो लेग साइड है यहाँ पे नीचे की तरफ भी ग्रीड है, तो सिंपली यहाँ पे टैप करो और ये ग्रीड गायब हो जाएगा, तो ग्रीड हम लोग रखते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड की, सो अभी मैं यहाँ पे बैकग्राउंड पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे कुछ तो आ नहीं रहा है, तो नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये मतलब मिरर टाइप के काम करेगा, ये जो हैंड है ये उस तरफ चला जाएगा, तो इनको टैप करने से यहाँ पे तो कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है। सो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। मान लो कि ये कैरेक्टर ऐसा है, आपको चाहिए बिल्कुल सीधे से फेस साइड से आप लोग बिल्कुल सीधे लाइन पे चाहिए, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे फ्रंट व्यू पे अगर टैप करोगे तो आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल सीधे पे आ चुका है। और उनके बाद है बैक व्यू, मतलब पीछे की तरफ से सीधे लाइन पे, ये देखो ये बिल्कुल पीछे की तरफ से सीधे लाइन पे आ चुका है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है राइट व्यू, मतलब इस कैरेक्टर को राइट साइड से अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो। और उनके बाद है लेफ्ट व्यू, आप लोग अगर लेफ्ट साइड से देखना चाहते हैं तो इनका जो है मतलब लेफ्ट साइड से बिल्कुल सीधे लाइन पे आ जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है टॉप व्यू, मतलब ऊपर की साइड से हेड साइड से ये बिल्कुल सीधे लाइन पे आ जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है बॉटम व्यू, वहाँ पे टैप करने से लेग है मतलब नीचे की साइड से सीधे लाइन पे आ जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है रीसेट कैमरा, अगर हम लोग रीसेट कैमरा पे टैप करते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल मूड पे आ जाएगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रैब स्क्रीन, वहाँ पे अगर हम लोग टैप करते हैं तो कुछ खास तो दिखा नहीं मुझे, वो नॉर्मल रहता है। ओके, सो मेक ह्यूमन सॉफ्टवेयर के जो कुछ बेसिक फीचर्स था उनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली, और अब हम लोग यहाँ पे एक फीमेल कैरेक्टर को मॉडलिंग करेंगे। ओके, सो हम लोग आ जाएंगे फ्रंट पे। ओके, और यहाँ पे देखो मॉडलिंग एंड मैन सेलेक्ट किया हुआ है, तो जेंडर जो है इनको हम लोग लो कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो मैंने बताया था यहाँ पे रीसेट मोड की साइड में, रीसेट मोड की राइट साइड पे एक स्मूथ बटन है, वो स्मूथ बटन को हम लोग ऑन कर लेंगे, ये जो कैरेक्टर है ये थोड़ा स्मूथ हो जाएगा।
एंड एज जो है इनको हम लोग थोड़ा सा लो, इनका जो एज है इनको हम लोग मिडिल रखते हैं। ओके मसल जो है इनको हम लोग लो कर देंगे, नहीं कम्प्लीटली लो तो नहीं, मतलब इनको थोड़ा ही रखेंगे, कम्प्लीटली कम नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो विड्थ है इनको हम लोग थोड़ा सा कम करेंगे, जस्ट थोड़ा सा। और ये जो हाइट है इनको हम लोग ऐसे ही नॉर्मली रहने देते हैं। सो इनका जो प्रॉपर्टीज है इनको हम लोग हाई कर लेंगे। और यहाँ पे जो है अफ्रीकन, एशियन एंड बहुत सारे ऑप्शन, यहाँ से आप लोग इनका बॉडी कलर एंड फेस को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो अफ्रीकन, एशियन और भी बाकी सारे ऑप्शन से मैंने एपिसोड 2 जो मेल कैरेक्टर था उस ट्यूटोरियल पे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इनको यूज़ करके अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हो तो प्लीज़ यार जाके देख लो एपिसोड 2। सो यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है उनको हम लोग हाई कर लेंगे। सो इनका जो यहाँ पे काम था मेन ऑप्शन पे ये काम हो चुका है। एंड अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है जेंडर। सो यहाँ पे जो जेंडर है यहाँ से आप लोग एक मेल कैरेक्टर को चेंज करके एक फीमेल कैरेक्टर आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं तो मैं फटाफट कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो जेंडर का काम था वो हो चुका है। और अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन फेस पे। सो यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, ये जो यहाँ पे जो माउस का जो टिक बटन आ रहा है सिंपली इनको अगर मैं यहाँ पे हेड पे रखता हूँ एंड राइट क्लिक करके अगर मैं घिसता हूँ तो ये देखो इनका जो हेड है ये जूम हो गया। और यहाँ पे जो माउस का जो व्हील है इनको भी आप लोग अप डाउन करके इनको जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। सो सिंपली मैं यहाँ पे फेस पे रखता हूँ एंड राइट क्लिक करके इनको आगे की तरफ कर देते हैं, माउस को जो है वो आगे की तरफ करते हैं। और मान लो कि मुझे यहाँ पे फिंगर्स चाहिए तो सिंपली यहाँ पे फिंगर पे रखो एंड राइट क्लिक एंड इनको खींचो। और ये देखो ये जो फिंगर है ये जूम हो गया। फिर से यहाँ पे फिंगर पे रखो, राइट क्लिक एंड आगे की तरफ एंड जूम आउट हो गया। सो मान लो कि मुझे लेग चाहिए तो सिंपली यहाँ पे लेग पे रखो ये माउस का टिक एंड राइट क्लिक एंड खींचो। ये देखो यहाँ पे जिनका लेग है वो आ चुका है। ओके सो यहाँ पे हम लोगों को चाहिए फेस, तो फेस को सिलेक्ट करो एंड जूम। ओके और अब हम लोग यहाँ से यहाँ पे इनका फेस को चेंज कर लेंगे। तो फेस का जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है एज, तो एज को हम लोग थोड़ा सा ही कम करेंगे। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है तो इनको चेंज करेंगे, तो फटाफट मैं इनको चेंज कर लेता हूँ। ओके सो यहाँ पे जो फेस का जो चेंजेस था वो कंप्लीट हो चुका है। एंड अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे थर्ड सॉ, सो इनको भी यहाँ पे हम लोग फटाफट से चेंज कर लेते हैं। ओके सो यहाँ पे जो थर्ड सॉ का काम था वो हो चुका है एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट है आर्म्स एंड लेग्स। सो यहाँ पे जो इनका काम था वो हो चुका है एंड यहाँ पे जो है और कुछ खास सेटिंग्स है नहीं। सो यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है मेसर्स कस्टम की राइट साइड पे जो मेसर्स ऑप्शन है वहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स है। यहाँ पे कैटेगरी पे जाओ एंड यहाँ पे देखो राइट साइड पे कैटेगरी है, यहाँ पे आप लोग टैप करके यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स है, बहुत सारे आप लोगों को सारे के सारे सेटिंग्स कंप्लीट करना पड़ेगा। सो मैं फिर से कहना चाहूँगा एपिसोड 2 पे जो मैंने मेल कैरेक्टर मॉडलिंग दिखाया था वहाँ पे मैं सारे के सारे चीज़ें अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। ऊपर पे देखो एक आई बटन आ रहा है वहाँ पे टैप करके आप लोग एपिसोड 2 देख सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे भी टैप करके देख सकते हैं। ओके सो मैं यहाँ पे फटाफट चेंज कर लेता हूँ। यहाँ का जो काम था वो हो चुका है एंड जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है जियोमेट्रीज। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे क्लोथ्स मिल जाएगा एंड यहाँ पे टेक फिल्टर जो है यहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट टाइप की मिल जाएगा। पहले तो है हेड्स एंड मेल फीमेल बहुत सारे क्लोथ्स मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे फीमेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप लोगों को जो मर्जी आप लोग क्लोथ्स पहना सकते हैं। सो मैं यहाँ पे यही क्लोथ्स पहनाने वाला हूँ। ओके सो जाएंगे नेक्स्ट पे। यहाँ पे है आई, आई जो है इनको यहाँ पे हम लोग लेंगे लो पॉली। और नेक्स्ट ऑप्शन है हेयर, हेयर जो है यहाँ पे आपको आप लोगों को बहुत सारे मिल जाएंगे। सो यहाँ पे टेक फिल्टर पे है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखो ये टेक फिल्टर, यहाँ पे आप लोग को प्लेलिस्ट टाइप की मिल जाएगी। सो यहाँ पे मैं फीमेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम लोग लेंगे हम लोग ये
हम लोग यही वाले हेयर को रखते हैं। ओके जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है टीथ। तो टीथ यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो मैं यहाँ पे टीथ सेफ वन को सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है टॉप लगेज। यहाँ पे मेल के लिए भी है एंड फीमेल के लिए भी। सो मैं यहाँ पे देखो फीमेल वाला का है, यहाँ पे मुस्किल 13, 4 एंड 2 ये वाला को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है आईब्रो। यहाँ पे आईब्रो भी आप लोगों को बहुत सारे मिल जाएंगे। ओके सो मैं यहाँ पे आईब्रो जो है मैं यहाँ पे आईब्रो 8 को रखता हूँ। ओके और अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे आई लिसिस। सो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे मिल जाएंगे आई का, यहाँ पे जो नीचे रहते हैं यहाँ का। सो यहाँ पे आप लोगों को जो मर्जी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नन रहने देता हूँ। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है टंग। यहाँ पे हम लोग टंग को सिलेक्ट कर लेंगे। और अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे मटेरियल्स। यहाँ पे बहुत सारे फेस बना हुआ है, आप लोगों को जो मर्जी यहाँ से आप लोग फेस ले सकते हैं। सो अब हम लोग जाएंगे पोस्ट एनिमेशन। पोस्ट एनिमेशन पे यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा बोन्स। यहाँ पे आप लोगों को जो मर्जी यहाँ पे बोन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ पे नन रहने देता हूँ। और नेक्स्ट ऑप्शन है रेंडरिंग। ओके तो ये जो है फाइनली कैरेक्टर जो ओ नो ये देखो यहाँ पे इनका मसल सारा है जियोमेट्रिक्स का। यहाँ पे जो टॉप लॉक्स है यहाँ पे देखो हम लोगों ने यहाँ पे फीमेल का एक सिलेक्ट किया था इनके लिए, ये यहाँ पे देखो मसल सारा है, यहाँ पे हम लोग नन कर देंगे। ये देखो यहाँ का जो मसल है वो हट गया। ओके तो रेंडरिंग मोड पे देखते हैं। रेंडरिंग मोड यहाँ पे रेंडरिंग मोड पे ये बिल्कुल फाइनली प्रीव्यू है। ओके सो हमारा जो कैरेक्टर था वो मॉडलिंग कम्प्लीटली हो चुका है। ओके सो हे गाइस, आज का जो था फीमेल कैरेक्टर मॉडलिंग वो कम्प्लीटली हो चुका है। एंड गाइस अगर आप लोगों ने मेरा एपिसोड 1-2 नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर टैप करके अच्छी तरीके से सारे के सारे ट्यूटोरियल्स देख लो। अगर आप लोग ये सारे ट्यूटोरियल्स अगर अच्छी तरीके से देख लेते हो पार्ट बाई पार्ट सारे ट्यूटोरियल्स, तो आप लोग ज़रूर एक एनिमेशन वीडियो ईजिली बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग मेक ह्यूमन सॉफ्टवेयर पे हम लोगों ने जो कैरेक्टर्स मॉडलिंग किया चाइल्ड मेल फीमेल ओल्ड मेल चाहे जो भी हो, आप लोग कैसे एक्सपोर्ट करके मतलब सेव करके इस कैरेक्टर को आप लोग कैसे ब्लेंडर पे ले जा सकते हैं, इसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे बात करेंगे। ओके सो है गाइस, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो। एंड ऐसे अमेजिंग ट्यूटोरियल सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।